2022 में एंटी डिप्रेशन और क्रिएटर्स की ग्रोथ देख के हम सारे के सारे सिनेमैटिक जलवे सीख के कंटेंट प्लान करके बना रहे हैं वीडियोस जो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। ज्यादा लालच के अलावा भी कुछ गलतियां तो हो रहा है। ये टेक इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के साथ जितना मैचेस खेल रहा है, हमारा स्कोर उतना बढ़ता चला जा रहा है सिनेमैटिक चीजों को पसंद करने का। 2018 के आसपास पीटर मैकेनन जैसे कुछ क्रिएटर्स की मेहरबानी से सिनेमैटिक शॉट्स का रेड कार्पेट वाला वर्जन बी रोल्स लोगों में पॉपुलर होने लगे, विच इज बेसिकली जस्ट ब्यूटिफुल मूवी लाइक शॉट्स मेन टॉकिंग हेड मेन ए रोल को छोड़ के। और इज इट नाउ दे डिड इट एब्सोल्युटली राइट, बट तब से लेके अभी तक बहुत सारे क्रिएटर्स आर डूइंग इट रॉन्ग। हर बार 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 नाउ मूवीज में तो हम 2 घंटों तक हाँ करके देख जाते हैं सुंदर तस्वीरें, उसमें बी रोल्स नहीं आते क्या? हजारों आते हैं। बोर होते हैं कभी? क्योंकि हम मूवीज में बी रोल्स नहीं देखते, देखते हैं सिर्फ शॉट्स विथ स्टोरीज। विथ को हटाने से और उस शॉट को सिनेमैटिक बनाने से क्या निकल के आ जाता है? रेड कार्पेट। स्टोरी के बिना कोई भी सिनेमैटिक शॉट्स या बी रोल्स आर लाइक ब्यूटी विदाउट अ ब्रेन। लोग देखेंगे बट कब तक? क्योंकि उन शॉट्स के साथ ऑडियंस इंटरेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं होगा। नोटिस, कनेक्शन इज द लोचा हेयर। अगर गलत कर रहे हो तभी। अब सोचो तुम वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हो, थिंकिंग से हो सकता है, राइटिंग से हो सकता है या डायरेक्ट शूट। क्या होगा अगर अपने वीडियो की कॉन्सेप्ट को सिर्फ कंटेंट के हिसाब से नहीं प्लॉट के हिसाब से देख रहे हो तो? लाइक अ सिनेमा, कॉन्सेप्ट नहीं प्लॉट है, जिसे विजुअली दिखाने के लिए बेसिकली तुम्हें बहुत सारे शॉट्स एक साथ चाहिए। कुछ अपने थोबड़े का, कुछ ऐसा जो एक्चुअली सुंदर भी लगता है कैमरा में, कुछ लोकेशंस, एक्शंस, फॉलोइंग द प्लॉट ओनली। ऐसा नहीं कि बोलने वाला ए रोल शॉट्स एक तरफ और कूल बी रोल शॉट्स अलग। नहीं, 80% ऑफ द टाइम अगर मूवीज में कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बहुत ही कॉमन बी रोल सा शॉट दिखा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं है। फ्यूचर में किसी ना किसी शॉट या सीन स्पेशली कुछ मेजर एक्शन के साथ वो कनेक्टेड है जो होने वाला है। और बाकी का 20% बी रोल्स टाइप के शॉट क्यों होते हैं मूवीज में वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। प्लॉट हमेशा खुलता है, बिल्ड होता है, उसके हिसाब से अगर अपने वीडियोस के विजुअल को प्लान करोगे ना तो ये टॉकिंग हेड जो ए रोल्स के साथ जो एक्स्ट्रा फुटेजेस होंगे वो बी रोल्स नहीं होगा, वो एक्चुअल स्टोरी लाइन बेस्ड शॉट्स होंगे विच आर इम्पॉर्टेंट, जो पीपल स्किप नहीं करेंगे। और जिसे ठीक तरीके से करने के लिए तुम हर बार 60 FPS या स्लो मोशन में शूट भी नहीं करोगे, जो करने से ना फुटेज एक्चुअल फुटेज में सिनेमैटिक मूवी लाइक क्वालिटी बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही कॉमन हो जाता है। फुटेज क्वालिटी और यूनिकनेस की ही बात करें तो स्टोरी ब्लॉक्स इज अनडाउटेडली द गो टू प्लेस फॉर मी 100% ऑफ द टाइम, जो सेम परसेंटेज इनका सारा कंटेंट रॉयल्टी फ्री होने का भी है फॉर एवर, जिसमें ना ही सिर्फ यूनिक 4K फुटेजेस बल्कि बैकग्राउंड्स, टेम्पलेट्स, फोटोज, वेक्टर्स, SFX, म्यूजिक सब एक्सट्रीमली यूनिक एंड हाई क्वालिटी में। कितना हाई अगर पूछो तो मेरा सारे रिसेंट वीडियोस का म्यूजिक एंड SFX स्टोरी ब्लॉक्स का है। हाँ, इसका भी। ये जो ह्यूज 1 million+ का कंटेंट लाइब्रेरी है ना, ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होता है फॉर मोर यूनिकनेस, जो तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा अपने बजट को संभाल के ही। देयर प्लान्स हैव ग्रेट वैल्यूज एंड वैरायटीज लाइक देयर कंटेंट। सो लर्न मोर अबाउट storyblocks.com फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और गो टू storyblocks.com/any एंड अमेज योर ऑडियंस। जिन्हें लगना नहीं चाहिए कि कोई भी शॉट आउट ऑफ द प्लेस है, बहुत आसान है करना, एटलीस्ट दिस फर्स्ट वन। अगर व्लॉग कर रहे हो तो एक बहुत सही चीज़ तो है ही, तुम अपने सिनेमैटिक शॉट्स या बी रोल्स को यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन नहीं, एक्चुअल ट्रांजिशन, किसी लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन तक, एक सीन से दूसरे सीन पे जाने तक, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट को जोड़ने के लिए बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही आसान वे में बी रोल्स का यूज़ होता है, विच इज़ ग्रेट। केसी नाइस्टैट इज ए नाइस एग्जाम्पल। और अगर टॉकिंग हेड या नॉर्मल कोई भी वीडियोस बना रहे हो तो उसमें बी रोल्स या सिनेमैटिक शॉट्स को यूज करो टू एम्फसिस एन एक्शन। किसी एक्शन हो रहा है या चेंज हो रहा है या उस एक्शन के उस पार्ट पे तुम थोड़ा और ज्यादा फोकस डालना चाहते हो या इन्फॉर्मेशन मजेदार है, उसको दिखाओ डिफरेंट एंगल एज ए सिनेमैटिक स्टाइल में। मीनिंगलेस बी रोल्स को अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों जॉनर में ही ना यूज बी रोल्स एंड सिनेमैटिक शॉट्स फॉर द स्टोरी, नॉट अवे फ्रॉम इट। अब अगर थोड़ा और डीप पर फील चाहिए तो अपने सिनेमैटिक जलवे को यूज करो टू सेट अप द एनवायरनमेंट, लोकेशन का फील, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड सेट अप द कैरेक्टर। प्लॉट जिस बंदे को फॉलो कर रहा है उस स्टोरी के लिए, उसके कैरेक्टर को और डेवलप और बिल्ड करने के लिए। बाकी का 20% बोला था ना, उन शॉट्स के लिए मूवीज ना इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करता है। सिनेमैटिक शॉट्स डोंट मेक योर वीडियोस इंटरेस्टिंग, स्टोरी एंड प्लॉट डज, जिसके बिना तुम्हारे सिनेमैटिक शॉट्स मे बिकम ऑप्शन बी वेयर ऑडियंस मे रोल देयर आईज। अब सोचो इस वीडियो की एकदम फर्स्ट सीक्वेंस अगर कोई स्टोरी के बिना होता तो क्या होता?
बट ऑलवेज रिमेंबर, ये मूवी नहीं सोशल मीडियाज है। स्टोरी की कमी फास्ट एनिमेशंस मिटा सकता है। सो हैव फन।